Hello everyone, welcome back to Line Series Academy's online platform and in today's session we are going to discuss geography. So basically इससे पहले हमने पांच पार्ट में अपनी ज्योग्राफी कवर कर ली है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ओके, आईएएस के, सीडीएस के, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. आई विश यू अ वेरी गुड लक. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एग्रीकल्चर सॉइल रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन टू द एनवायरमेंट. कैटल रिलीजेस अमोनिया इन टू द एनवायरमेंट. पॉलिट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट इन टू द एनवायरमेंट. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 2 ओनली, 1, 2, 3 ओनली, कि इसमें से करेक्ट कौन सा है. पहला ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर सॉइल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को रिलीज करता है एनवायरमेंट में. दूसरा ये कह रहा है कि जो कैटल है आपका वो अमोनिया को रिलीज करता है एनवायरमेंट में. तीसरा कह रहा है कि जो आपका पॉलिट्री इंडस्ट्री है ये रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स को रिलीज करता है एनवायरमेंट में. आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं. सो पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो रिलीज होगा आपका एनवायरनमेंट में जब हम एग्रीकल्चर सॉइल की बात करते हैं. सो जहाँ पे आपकी जो प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी या फिर किसी भी तरीके की प्रोसेस होगी जिसमें नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसी की फर्दर ऑन प्रोसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिलीज है एनवायरनमेंट में. दूसरा, कैटल जो होता है वो आपका अमोनिया को रिलीज करता है एनवायरनमेंट में. तीसरा, जो पॉलिट्री इंडस्ट्रीज होती हैं ये भी आपका रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स को रिलीज करती है एनवायरनमेंट में. क्लियर. व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन द क्लाउडी नाइट्स. आपको बताना है कि क्लाउडी नाइट्स में ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं बनती हैं. क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन. The earth surface would have low temperature on cloudy nights. The clouds deflect the blowing winds to the ground level. आपको बताना है कि dewdrops क्यों नहीं बनती हैं cloudy nights में. ओके, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन. आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सारा लॉजिक आपको जितना भी आपके इसके पीछे का मैकेनिज्म होता है वो याद करिए. आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका क्लाउड्स जो होते हैं वो अर्थ की रेडिएशन को रिफ्लैक्ट बैक करते हैं. सो बेसिकली होता क्या है, जो क्लाउडी नाइट होंगी सो उसमें क्या होगा आपका, अगर ये आपकी अर्थ है आपके एटमॉस्फेयर में आपको यहाँ पे दिख रहा है नॉर्मल नाइट में आपका ये क्लियर होगा. तो जितना भी आपका रेडिएशन दिन में अब्जॉर्ब हो रहा है रात को ये रिफ्लेक्ट होगा. आपको पता ही होगा कि जितना अब्जॉर्प्शन होता है उसका काफ़ी हिस्सा आपका रिफ्लेक्ट बैक होता है, आपका स्पेस में वापस छोड़ा जाता है. लेकिन अब जब ये यहाँ पे ये है तो हम नॉर्मल डेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई क्लाउड की लेयर नहीं देखने को मिल रही है, तो ये वापस आपका जो रेडिएशन है रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. लेकिन जब क्लाउडी नाइट्स होंगी इट मीन्स आपको यहाँ पर क्लाउड की लेयर होगी किसी भी उसमें. सो जो अब जो आपकी रेडिएशन है ये आपकी बाहर नहीं जा पा रही है स्पेस में, तो इससे क्या होगा कि क्लाउड से टकरा के ये आपकी वापस से अर्थ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी. और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो इस वजह से आपका जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो आपको क्लाउडी नाइट्स में बनती हुई नहीं दिखेंगे. बाकी ऑप्शन जो हैं, जैसे पहला ऑप्शन है कि क्लाउड्स अब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, ये गलत है आपका. तीसरा जो होगा, अर्थ सर्फेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स, नहीं, इससे टेम्परेचर से इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा. क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू द ग्राउंड लेवल, नहीं, ये आप तो थर्ड ऑप्शन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंदिरा गांधी. नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस. टिल रिसेंटली इंडिया इम्पोर्टेड कोल्स टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशियंट इन कोल प्रोडक्शन. और आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, 1, 2, 3. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट. आंसर होगा इसमें ए, विच मीन्स आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है. अब इसमें हम ऐसा करते हैं, देखिए अगर आपको इसमें ये सब नहीं भी पता तो अगर हम सीधे रॉन्ग स्टेटमेंट में जाएं, तो टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन. ये बोल रहा है कि अभी तक हमने इंपोर्ट किया लेकिन अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. तो जैसे ही हम थर्ड स्टेटमेंट कैंसिल करते हैं आपका बी गया, आपका सी गया, आपका डी गया, आपका सीधा आंसर वन, आपका सीधा आंसर जो होगा वो होगा आपका वन ओनली. तो अब अगर आपको ये भी नहीं पता है कि लॉटरी बेसिस पे होता है या ऑक्शन बेसिस पे होता है, ओके, सो आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर निकल चुका है. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. सी है ये बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, आपको करेक्टली मैच बताना है. एड्रियाटिक सी अल्बानिया, ब्लैक सी क्रोशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरियन सी मोरक्को, रेड सी सीरिया. ऑप्शंस है 1, 2 and 4 ओनली, 1, 3, 4 ओनली, 2, 5 ओनली, 1, 2, 3, 4, 5 ओनली. करेक्ट बताना है कौन सी बॉर्डर कर रहा है किस वाटर बॉडी को. ओके, सो याद रखिएगा इसमें ये पूछा गया है. आंसर होगा इसका बी, विच मीन्स 1, 3 and 4 ओनली, क्योंकि आपका जो सेकेंड है ब्लैक सी,
क्रोशिया आपका ब्लैक सी को बॉर्डर नहीं करता है। अब अगर हम इसको मैप में देखें तो ये देखेंगे हम, ये है आपका ब्लैक सी और ये रहा आपका क्रोशिया। सो दूर दूर तक आपको बॉर्डर शेयर करते हुए नहीं दिखता है। तो अब अगर हम एलिमिनेट करते हैं सीधे, हम अगर ब्लैक सी वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, सो आपका ए गया, आपका सी गया, आपका डी गया, सीधा आपका आंसर 1, 3 और 4 आएगा। अब वापस से लेकिन एक बार देख लेते हैं, अगर हम एड्रियाटिक सी को यहाँ पे देखने की बात करें, सो ये रहा आपका एड्रियाटिक सी, ओके, ये रहा आपका अल्बानिया और बॉर्डर शेयर कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कैस्पियन सी कजाकिस्तान, ओके, सो आप यहाँ पे देखेंगे कैस्पियन सी और यहाँ पे देखेंगे कजाकिस्तान। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं आपका मेडिटेरियन सी और मोरक्को, सो ये आपको पूरा मेडिटेरियन सी देखने को मिल रहा है और ये आपको मोरक्को देखने को मिल रहा है और आपका आंसर ये सही है। फिर हम देखते हैं रेड सी सीरिया, तो यहाँ पे आपको इसमें आपको नीचे में देखने को मिलेगा क्योंकि थोड़ा ऊपर ये मैप थोड़ा आधे की तरफ का है, बट जब हम इधर की तरफ को बात करते हैं तो आपको फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा रेड सी, ओके, ये रहा आपका सीरिया, ठीक। तो जो आपका यहाँ पे बॉर्डर शेयर होगा आपको इस तरफ भी देखने को मिलेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1, 3 और 4 ओनली। नेक्स्ट है आपका ये ग्लेशियर है, ये रिवर है, आपको करेक्टली मैच बताना है। बंदर पुंच हो गया यमुना, बारह शिगरी हो गया चेनाब, मिलाम हो गया मंदाकिनी, सियाचिन हो गया नुब्रा, जेमू हो गया मानस। आपको बताना है कौन कौन सी रिवर में ये ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं, रिवर रिलेट करती है ग्लेशियर से। 1, 2, 4 ओनली, 1, 3, 4 ओनली, 2, 5 ओनली, 3, 5 ओनली आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स 1, 2 और 4 ओनली। अब देखिए 1, 2 और 4 ओनली क्यों है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये करें तो आपका जो ये मिलाम जो आपका ग्लेशियर है ये मंदाकिनी रिवर पे नहीं है, ये आपको पिथौरागढ़ की तरफ को देखने को मिलेगा, जहाँ तक मुझे याद है गौरीगंगा नाम की रिवर है उस पे देखने को मिलता है। तो 3 हटेगा तो आपका बी या आपका डी या आंसर होगा आपका ए या सी में से, विच मीन्स आपका 2 तो ऑप्शन में है ही। अब देखते हैं इसमें जो आपका आंसर है वो आपका जेमू जो है, ये आपका मानस नहीं, ये आपका तीस्ता रिवर पर है। सो आपका 5 वाला भी ऑप्शन से आंसर होता है, 1, 2 और 4 आपका आंसर होगा, बाकी बिल्कुल ठीक है। सियाचिन नुब्रा रिवर पर है, बारह शिगरी चेनाब और बंदर पहुंच आपका यमुना। तो आपका नेक्स्ट होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइक कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन, आपको बताना है कौन सा पूरी तरीके से टेम्परेट अल्पाइन जोन में मिलता है। मानस नेशनल पार्क, नामधापा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, और आपका आंसर होगा इसमें डी, विच मीन्स आपका वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। जब हम टेम्परेट अल्पाइन जोन की बात करते हैं तो आपका इतने से लेकर इतने मीटर की आपकी हाइट पे जो आपको देखने को मिलते हैं टेम्परेट अल्पाइन जोन होता है। वैली ऑफ फ्लावर आपको टेम्परेट अल्पाइन में नहीं देखने को मिलता है, जो आपका ग्लेशियर उसमें भी देखने को मिलता है, इसीलिए आपका आंसर नहीं होगा ये। अच्छा, अब अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सारे नेशनल पार्क है कहाँ पर। एक्चुअली वैली ऑफ फ्लावर तो आपको पता है कि उत्तराखंड में है, बट आप इन तीनों को भी बता सकते हैं जो ये ऊपर ऑप्शन है। ऑन 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट अंटार्कटिक सर्कल, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द नून ऑन द इक्वेटर, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आपको बताना है कि 21 जून को कैसा होगा सन, आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स आपका डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। सो जब हम 21 जून की बात करेंगे, ओके, सो आपका जो सन होगा वो आपका आर्कटिक सर्कल के होराइजन में सेट नहीं होगा, इसके नीचे नहीं होगा, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आर डोमेस्टिकेटेड, वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द ओल्ड वर्ल्ड, टोबैको कोको एंड रबर, टोबैको कॉटन एंड रबर, कॉटन कॉफी एंड शुगर केन, रबर कॉफी एंड वीट, एंड द आंसर विल बी ए, विच मीन्स टोबैको कोको एंड रबर। Consider the following statement about particularly vulnerable tribal groups in India. PVTG reside in 18 states and 1 union territory. Stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTGs. There are 95 PVTGs originally notified in the country so far. Ilura and Konda Reddy tribes are included in PVTGs. Options are 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. और आपका आंसर होगा इसमें सी, विच मीन्स 1, 2, 4। 1, 2, 4 इसलिए क्योंकि 95 PVTGs नहीं है आपकी, 70+ PVTGs हैं, ओके। सो जैसे ही आपका थर्ड ऑप्शन कैंसिल होता है आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 1, 2 और 4, बाकी बिल्कुल ठीक है। 18 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलते हैं। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स हैं और पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप्स हुए हैं जो और ज़्यादा प्रोन है डिक्लाइन होने की तरफ को, और कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं इनकी कि लाइक इनका कल्चर डिक्लाइन हो रहा है, इनके उसमें आपकी पॉपुलेशन भी इतनी है, सो उनको इसमें कंसिडर किया जाता है। Which one of the following is an artificial lake? Kondikala, आपका तमिलनाडु, कलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। आंसर होगा आपका
ए विच मीन्स आपका कोडिकनल जो है तमिलनाडु की, ये आपकी आर्टिफिशियल लेक है, बाकी ये सब नहीं है. सो दैट्स इट फॉर द डे. आई होप आप लोगों ने 10 में से 10 अटेम्प्ट करे होंगे. जितने स्किप करेंगे आप वो भी लिख सकते हैं, मार्क्स कितना है वो लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.